अब आ जाइए। ओके, बहुत जल्दी हो गए हैं सिलेक्शन, दोस्तों जोरदार तालियां तो होना चाहिए। अभी आपका इंट्रोडक्शन है, सो आपका नाम बताइए प्लीज। योर नेम सर? सुंदर। आपका नाम? संबित। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू थ्री मेंबर्स, बिकॉज़ विदाउट एनी ऑडिशंस यू आर नॉट सिलेक्टेड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज भी हम हैदराबाद में ही हैं और आज भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। एक यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी है, कुछ करके वहाँ जाना है, फिर हुसैन सागर लेक है वहाँ पे जाना है, आज का मतलब ये प्लान है। बाकी धूप आप देख ही सकते हो मेरे फेस पे, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं आँखें उठा नहीं पा रहा हूँ फिर भी। लेकिन अभी गाड़ी आ चुकी है हमारी, कल गाड़ी आ गई थी लेकिन गाड़ी के साथ ड्राइवर भी था, तो हम 7 बंदे थे तो हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो आज सिर्फ गाड़ी बुलाई है हमने, आज हमारा भाई ड्राइव करेगा जो दिल्ली से हमारे साथ आया है, वही ड्राइव करेगा, वही हमें लेके चलेगा। और बाकी आगे हम जहाँ जहाँ जाएंगे आपको सब दिखाएंगे व्लॉग में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों टिकट काउंटर पहुंचने के बाद टिकट ले ली हमने रामोजी सिटी की, फिल्म सिटी की। तो टिकट लेने के बाद मतलब ये लास्ट ही बस बची है, अभी कुछ 2:30 बज रहे हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि जो अच्छा टाइम होता है कि पूरी सिटी एक्सप्लोर करने का, सुबह 10 बजे तक पहुंचने का यहाँ पे, तो बढ़िया रहता। पर हम थोड़ा लेट हो गए, फिर भी हम अंदर जा रहे हैं। अभी टिकट हम ले चुके हैं, अभी बस में बैठते, इसके बाद गाड़ी नहीं जा सकती। तो अभी देखते हैं आगे कि बस में हमें कहाँ घुमाते हैं। अभी बस की तरफ जा रहे हैं हम, तो ये कुछ रास्ता है बस की तरफ का। स्टैंप लग गया है, लेट्स गो। बस में अपन लोग बैठ चुके हैं और ये बस अभी हमें पूरा जो फिल्म सिटी है उसका टूर कराएगी। वैसे टिकट काउंटर पे बोला कि हम लेट हैं, तो 50% फिल्म सिटी बंद हो चुकी है, सारे स्टूडियो सेटअप कुछ बंद हो चुके हैं। तो जितना भी हम घूम पाए उतना आपको घुमाएंगे अपने साथ, टिकट विकेट हमने ले रखे हैं अब। लेकिन बस नॉन एसी है, इतनी गर्मी में बुरा हाल हो रखा है, मैं क्या बताऊँ, वो एक थोड़ा मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी देखते हैं आगे क्या एक्सपीरियंस होता है, आपको भी हम अपने साथ साथ घुमाते रहेंगे। यहाँ का मेन गेट है, मेन एंट्री। पहली डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं फिल्म सिटी में, जहां तक हमें ये बस लेके आई है।
नॉन एसी बस थी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हमारा पहला डेस्टिनेशन है वो मूवी मैजिक है। मूवी मैजिक के बाद हम इस बस में जाएंगे। ये बस भी नॉन एसी है पर दिखने में ठीक लग रही है। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई, जिसको घूमना है ठंड के मौसम में आओ, मस्त अपना चिल करके घूमो। इतनी गर्मी में भाई साहब जगह अच्छी है नो डाउट, पर गर्मी में यार बंदे का ना इरिटेशन हो जाती है। तो ऐसा कुछ लोकेशन है पहला हमारा। भाई गर्मी छोड़ के सब एक नंबर, मतलब प्रॉपर ऐसा सेट बना हुआ है, ऐसा बिल्डिंग्स बने हुए जैसे फॉरेन में होती है प्रॉपर। अगर आपको दिख रही होगी तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस धूप इतनी लग रही है कि क्या बताऊँगा आपको। चलो अभी अंदर चलते हैं, मूवी मैजिक है, कुछ शो टाइप होगा यहाँ पे, उसके बाद अपन लोग आगे घूमेंगे। लेट्स गो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये वही फिल्म सिटी है जहाँ पे बाहुबली जैसी लेजेंडरी मूवीज की शूटिंग हुई है। यहाँ पे सेट है उन मूवीज के, बाहुबली सेट है। अगर वो खुला होगा तो हम वो भी आपको दिखाएंगे और खुद भी देखेंगे फर्स्ट टाइम। बस गर्मी के अलावा सब बढ़िया है, गर्मी सबसे बढ़िया है। ओए होए 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 होए, मजा आ गया। मजा आ गया, एसी हॉल है ब्रो, एसी हॉल में मजा आ गया। भैया कहाँ से आए हो आप? मैं नागपुर से आया हूँ। नागपुर से आया हूँ। अच्छा, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या कहना चाहोगे? गर्मी में आना चाहिए, सर्दी में आना चाहिए यहाँ पे? गर्मी में, हम तो नागपुर वाले हैं, हमको आदत है, पूरा साल नागपुर ऐसे ही रहते हैं गर्मी। ये रशिया वाले भाई को देखो, इसकी हालत ख़राब हो रखी है हमारे। तुमने सीधा -38 से मेरे को +38 में डाल दिया, बहुत इसका भगवान तुमसे जवाब मांगेगा। पहली बार आए हो? पहली बार आप? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आया हूँ, चलो फिर एक्सपीरियंस बाद में साथ में। कैसे? बहुत बेकार, उल्टा रहते हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ है? लाओ बंदूक, लाओ मेरी। शूटिंग स्टेज, आप सबको तो पता है, यू आर लर्निंग शूटिंग थिएटर टुडे, यू आर गोइंग टू गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ मूवी मेकिंग। सो फॉर दैट आई रिक्वायर थ्री एक्टर्स फ्रॉम योर साइड, अबव 18 साल के ऊपर, मेरे फिल्म में एक्ट करने के लिए 3 एक्टर्स का जरूरत है। सो हु इज दैट लकी पर्सन? यस सर, प्लीज कम आइए। ओके, अब आ जाइए। ओके, बहुत जल्दी हो गए हैं सिलेक्शन, तो दोस्तों जोरदार तालियां तो होना चाहिए। और 10 मिनट में ये लोग बहुत बड़े सुपरस्टार्स बनने वाले हैं, बाद में सेलिब्रिटी भी हो जाते हैं, सब सबको आटोग्राफ देना मत भूलना। ओके, हमने इस फिल्म के लिए बहुत भारी बजट लगाई है, तो अच्छे से एक्टिंग करने का कोशिश करें, कोशिश करें। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज वेरी सिंपल टू यू, अभी 3 मेंबर्स उस स्टार रूम के अंदर जाना है, प्लीज गो इनसाइड ऑफ द स्टार रूम। सर वो स्टोर रूम है, स्टार रूम में जाइए। ये ग्लव्स उल्टे हैं क्या है?
सर्विसेज ले लेना है। डन सर, ये नहीं चलता है क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाता है। बैग ले लो। चलिए 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 चलिए। मैडम जी आप सेंटर बैग में भेजिए, एक पर्सन लास्ट में जाइए, एक पर्सन यहाँ सेंटर में। रेस करिए गाड़ी को, एक्साइटेड रेस करिए, रेस करिए। यस लुक बैक, अभी पीछे देखिए, कैमरा को देखिए और गाड़ी को रेस करते रहिए। लुक बैक अगेन, और एक बार पीछे देखिए, कैमरा को देखिए, गाड़ी को तेज चलाइए। एक्सेलेंट दोस्तों, कैन यू सी दैट ग्रीन मैट? देख रहे हो वो ग्रीन मैट को? इट इज यूज्ड टू चेंज एनी बैकग्राउंड। ग्रीन और ब्लू मैट इस्तेमाल करके कौन सा भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रोमा इफेक्ट। ओके करेक्ट, देखो कि बहुत बढ़िया एक्टिंग है, जोरदार ताली का मजा है। आवाज की दुनिया में आप सभी को स्वागत है। साउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म्स। సినిమాలలో సౌండ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మిస్టర్ జాక్ ఫోలీ హిస్ ద సౌండ్ టెక్నీషియన్ హూస్ ఇన్వెంటెడ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫర్ ద ఫిలిమ్స్ త్రూ దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. జాక్ ఫోలీ అనే శాస్త్రవేత్త సినిమాలలో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కనుగొన్నారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా. ఇది ఏ శబ్దం? హమారా భాయ్ హీరో బన్ గయా, ఉస్కి మూవీ ఆ రహీ హై ఆజ్ హీ కే దిన్. శివ్ ఆప్కే భాయ్ కీ మూవీ ఆ రహీ హై, దేఖోగే ఆప్? హా క్యూ నహీ దేఖేంగే. ओए कोई फ्लॉप नहीं करेगा, हाउसफुल होना चाहिए, हाउसफुल। ये मूवी रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। हाउसफुल होना चाहिए, हाउसफुल, ठीक है, हाउसफुल। ये सारी भाड़े की जनता है, हाउसफुल है, देख लो सब हाउसफुल है बिल्कुल। बिल्कुल हाउसफुल। Let's go guys, focus focus. ये चड्डी में रॉबरी करने कौन गया? चड्डी देखो, चड्डी, फोकस ऑन द चड्डी गाइस। वो डीजे के हंसने का तरीका था। वापसी गर्मी में आ चुके हैं अपन लोग। भाई एसी की हवा से निकल के गर्मी में वापसी आ गए अपन लोग। सॉफ्टी खाएगा ना? खाएगा, क्यों नहीं खाएगा रे। दोस्तों सफर अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पूरा फिल्म सिटी घुमाएंगे, सारे सेट्स दिखाएंगे और काफी बढ़िया बढ़िया एपिक एपिक मतलब सीन आने वाले व्लॉग में। तो जुड़े रहिए और दूसरा पार्ट जरूर देखिए।